हे एवरीवन, आज के मेरी रेसिपी है कोकोनट खीर। कोकोनट खीर बनाने के लिए आज मैं सूखे नारियल का इस्तेमाल करने वाले हूँ, लेकिन आपके पास अगर ताजा नारियल अवेलेबल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस रेसिपी से एक बार कोकोनट खीर जरूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। कोकोनट खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। खीर को थिक और क्रीमी बनाने के लिए अब फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। 1/3 कप चीनी। वैसे तो 1/3 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको अगर खीर थोड़ी सी मीठी पसंद हो तो 1/2 कप चीनी भी ले सकते हैं। 1/4 कप के करीब बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। यहाँ पर मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ता को स्लाइसेस में कट करके लिया है, लेकिन आप इसके अलावा भी अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 1/3 कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके पास अगर ताजा नारियल अवेलेबल हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें नारियल को ग्रेट करके इस्तेमाल करना है। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बोरा होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा। अगर आपको खीर थोड़ी सी ज्यादा थिक पसंद हो तो आप 1.5 टेबल स्पून गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और आखिर में हमें चाहिए 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम चाय पत्ती का मसाला। अगर आपके पास चाय पत्ती का मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप 2 चुटकी सौंठ पाउडर और 2 चुटकी गंठोड़ा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सूखे नारियल की खीर बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम दूध को गर्म कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हम गर्म किए हुए दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हमने जो घी लिया था वो डाल देंगे। घी को मेल्ट हो जाने देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे। तो घी मेल्ट हो चुका है और हल्का सा गर्म है, तो अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और हमने जो आटा लिया है वो डाल देंगे। अब इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसे आधे से 1 मिनट जितना भून लेंगे। आटे की हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक ही इसे भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो मैंने इसे 1 मिनट जितना भून लिया है। अब इसके अंदर चाय पत्ती का मसाला, ग्रेट किया हुआ नारियल और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम लगातार चलाते हुए 30-40 सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे कि इसे भूनते वक्त गैस को मीडियम या तो लो मीडियम फ्लेम पे रखें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और खीर का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मैंने इसे 40 सेकंड के लिए भून लिया है। अब एक हाथ से चलाते रहेंगे और हमने जो दूध को गर्म किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम गैस को फुल फ्लेम पे कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक इसे चलाते रहेंगे, ताकि ये तले में चिपक ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे। अब इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी पिघल कर खीर के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए या तो थोड़ा सा थिक होने तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 से 5 मिनट जितना उबाल लिया है और ये अच्छे से ठीक हो गई है। खीर ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको ज्यादा ठीक पसंद हो तो आप इसे थोड़ी देर और उबाल सकते हैं। हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, तो गैस को बंद कर लेंगे। अब एक सर्विंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर खीर को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि खीर कितनी क्रीमी, स्मूथ और एकदम थिक बनी है। इसे चेक कर कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इस खीर में गेहूं का आटा मिलाया है। एक बार इस तरह से खीर को बनाकर देखिए, आपको ही नहीं घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।